इंसान नूं कुछ करन दा जनून होवे तां कुछ वी उस नूं अपनी मंजिल प्राप्त करन तों नहीं रोक सकदा। तस्वीरां विच वेख रहे इस अपाहज लड़के दा नां कृष्ण कुमार है, जिसदे दोवें हथ नहीं हन, पर कृष्ण कुमार ने अपने पैरां तों अपनी सफलता दी कहानी लिखी। उसने 12वीं दी प्रीख्या विच 500 विचों 414 नंबर हासिल कर ना सिर्फ दिव्यांगता नूं हराया, बल्कि लोकां दे सामने उदाहरण भी पेश कीती कि दिव्यांगता उस नूं अपने टीचे तक पहुंचन तों नहीं रोक सकदी। पढ़ने लिए हर रोज़ 10 किलोमीटर पैदल तुर के स्कूल पहुँचने वाले इस होनहार विद्यार्थी ने मोड़गंज के शानदार स्कूल के टॉप 10 विद्यार्थियों में जगह बनाई है। बेवसी ते असफलता नूं हराउन तो बाद कृष्ण कुमार अपने पैरां नाल कलम फड़दा है ते इस तरह लिखदा है कि हत्थां नाल लिखण वाले शर्मिंदा हो जाण। 12वीं जमात दे टॉपर बन के अज पूरे राज विच छाए हुए हैं। लोक सिक्ख्या संस्था ने भी उन्हां दी सफलता की तारीफ की है। दरअसल कृष्ण कुमार दे दोवें हाथ जन्म तो ही नहीं सी। उन्होंने ना सिर्फ अपने 3 भरावां ते 4 भैणां विचकार चलना सिख्या, बल्कि पढ़ाई विच भी मन लगाया। बचपन तो ही अपने पैरां नाल सारे काम करन दी कुशलता दे विकास कीता ते मजबूत इरादे ते बुलंद हौसले नाल ओह मुकाम प्राप्त कीता जो हथ वाले भी नहीं कर सके। कृष्ण कुमार दी दिव्यांगता ते हंझू बहाउण वाला परिवार अज उस दी सफलता ते माण महसूस कर रहा है। कृष्ण कुमार बाद अगे चल के कलैक्टर बनना चाहुंदे तां जो उन्हां दे घर दा आसरा बन सकन। मैं कलेक्टर बनना चाहता था, मगर हमारे इतनी बड़ी हैसियत नहीं हो पाई, मेरे पिताजी नहीं सो कर पाएंगे कि पढ़ाने के लिए आगे के। तो सरकार से यही मदद चाहता हूँ, आर्थिक समस्याएं सभी भी पैसा रुपये सभी की समस्या पड़ती थी बड़ी। कृष्ण कुमार की सफलता का तो उसके अध्यापक फुले नहीं समाते। वो दसते हुए बहुत माण महसूस करते हैं कि कृष्ण कुमार उन्हों का विद्यार्थी है। हम तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं इसके 100%। इतना अच्छा विद्यार्थी, मतलब जो विकलांग हो और इतना मार्क्स लाए बिना हाथ के, वो तो गर्व करने लायक ही है। मोड़गंज तहसील दे पिंड हरजाई समूदन दे वसनीक कृष्ण कुमार दी इस प्राप्ति तो पूरा पिंड खुश है, पर एक पासे उसके पिता अपने पुत्र की सफलता से खुश हैं तो दूजे पासे अपनी गरीबी से दुख जताते हैं। अपने मेहनत का फल है, मैंने मेहनत करी तो मतलब परीक्षा में हासिल हुए। अब परेशानी तो बहुत इनका उठानी पड़ी, इसलिए कि हमारे पास जो है तो परेशानी गरीबता है, हमारे पास वाहन आने जाने के इनके पास नहीं है, और इसके बाद घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है। अपने पास घर द्वार नहीं है, देख रहे हैं, और सामने जो है तो बहरा की नाली से सीधे एक नदी के बराबर पानी रात दिन बराबर चलता है, हमारे घर में पानी भर जाता है, और आज तक हमारे शासन कैसे हमको कोई नहीं मिला हो कोनो चीज़ का। वो अब यही हम सोच रहे हैं कि मेरे शासन जो है तो हमारा कोई मदद करे, हमारे बच्चों की मदद करे। दरअसल कृष्ण कुमार का परिवार बहुत गरीब है, उसके 3 भैन भरा हैं, तो पिता मजदूरी करके घर का गुजारा करते हैं। आलम यह है कि उन्हां कोल रहन लई पक्की छत भी नहीं है, पर कृष्ण कुमार ने इस गरीबी नूं अपनी सफलता के राह विच नहीं आउण दिता। यही कारण है कि परिवार हुण महसूस करता है कि कृष्ण कुमार की यही सफलता उन्हां दी किस्मत जगा सकती है। उसकी प्राप्ति तो बाद समाज सेवियां ते जिले के कुछ लोगों ने उसकी मदद लई भरोसा भी दिता है। ईटीवी भारत ब्यूरो रिपोर्ट। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.